पंजाब की किसान जथेबंदियों ने मांग की है कि कैप्टन सरकार स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए। इस मुद्दे को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कई किसान संगठनों के साथ बैठक भी की और किसानों को भरोसा दिया कि 2 महीने में कर्ज माफी पर काम शुरू हो जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सूबे की किसान जथेबंदियों के साथ चंडीगढ़ में बैठक की, जिसमें किसानों की कर्ज माफी के मसले पर चर्चा हुई। इसके अलावा किसानों के सुझाव भी लिए गए। सूबे के कैबिनेट मंत्री तृप्त रजिंदर बाजवा ने बैठक को बेहद सकारात्मक करार दिया। उन्होंने किसानों के सुझावों को लागू करने पर गौर करने की बात कही। वहीं किसानों की मांग है कि सरकार कर्ज माफी को लेकर जल्द से जल्द स्थिति स्पष्ट करे, साथ ही स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने के संबंध में विधानसभा में प्रस्ताव लेकर आए। ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀਆਂ ਸਨ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦਮ ਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਅਗਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਡੀ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਇਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜੋ। किसानों ने साफ कर दिया कि कर्ज माफी का वादा खुद पंजाब कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में किया है और सरकार को उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। वहीं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने बताया कि सबसे पहले कर्जा चुकाने में असमर्थ किसानों का कर्ज माफ करने पर सहमति बनी है। पंजाब के किसानों ने संबोधन होकर बार बार अपने चोन मनोरथ पत्र किया सी भाई साडी सरकार लेके आओ, असी समुचा बैंकों का आड़तियों का कर्जा खत्म कर देंगे। ਅਤੇ ਉਹ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਨਿਚੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਰਥ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਏਕੜ ਤਾਈਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। कुल मिलाकर बैठक को सफल करार दिया जा रहा है। कैप्टन सरकार के मंत्रियों की दलील है कि कम से कम किसानों को राहत देने की खातिर पंजाब सरकार ने पहल तो की है। पुनीत परिंचा, जी मीडिया, चंडीगढ़। आगे बढ़ते और बात करते हैं एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के चंडीगढ़ दौरे की। कल चंडीगढ़ पहुंचे एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का एयरपोर्ट पर हरियाणा बीजेपी और श्रोमणी अकाली दल के नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। पंचकुला में रामनाथ कोविंद ने अकाली बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की और राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट मांगी। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। यहां उनके स्वागत के लिए पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला समेत कई सांसद, मंत्री और विधायक मौजूद रहे। रामनाथ कोविंद ने भी हाथ हिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार किया। अकाली दल का कहना है कि एनडीए ने रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनकर सबसे उपयुक्त व्यक्ति को चुना है। उन्होंने सबसे पूछा है और पूछकर ही उन्होंने, मोदी साहब ने खुद पूछा, दूसरे उनके प्रेसिडेंट साहब ने और पूछा और पूछ के ही सबसे फिर ऐलान किया। एनडीआर टोटल अकाली दल श्री प्रकाश सिंह बादल साहब सुखबीर सिंह बादल गवाही के थले साड़ी सारिया वोटा जो एनडीए ने कैंडिडेट खड़ा किया सारिया वोटा उन्होंने गाई बहुत वधिया कैंडिडेट चुने। मैं तो सारी एनडीए का धन्यवाद भी करदा कि राष्ट्रपति चोन वास्ते बहुत वधिया कहिंदे। समर्थन हासिल करने पहुंचे रामनाथ कोविंद का हरियाणा बीजेपी के सांसदों और विधायकों ने अभिवादन किया। बैठक में केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज खास तौर से मौजूद रहीं। बीजेपी को भरोसा है कि एनडीए उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोट हासिल होंगे। हमारे को बताया गया है जिस तरह का समर्थन मिलने लग रहा है, हमारी पार्टी और हमारे सहयोगी पार्टियों दलों का तो सहयोग उनके साथ है ही, जैसे समर्थन मिल रहा है 50% से अधिक समर्थन
वोटों का हमारे को मिलने की संभावना नजर आ रही है और ये आने वाले दिनों के अंदर 17 तारीख तक बढ़ता ही रहेगा, घटेगा नहीं। रामनाथ कोविंद इससे पहले बिहार के राज्यपाल थे, जिन्हें बीजेपी ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए बतौर एनडीए उम्मीदवार आगे किया है। चंडीगढ़ से राजन शर्मा, जी मीडिया। वहीं हरियाणा की मुख्य विपक्षी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल ने एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इनेलो का धन्यवाद किया। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद, इनेलो के सांसदों और विधायकों, नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला आप देख रहे हैं, उनके साथ रामनाथ कोविंद बैठे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी उनके साथ बैठे हैं। हरियाणा और पंजाब के सांसदों विधायकों का समर्थन हासिल करने पहुंचे एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार को इनेलो का साथ मिल गया है। रामनाथ कोविंद ने इनेलो विधायकों और सांसदों का समर्थन मांगते हुए चौधरी देवीलाल को याद किया। उन्होंने कहा कि वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करते आए हैं और आगे भी जारी रखेंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने रामनाथ कोविंद का समर्थन करने के लिए इनेलो का शुक्रिया अदा किया। सत्रह तारीख की शाम को देख इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और परिवार आपको ये बधाई एडवांस में देती हूँ। ओम प्रकाश चौटाला जी को, आपके सभी कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे लिए हरियाणा हो या पंजाब हो, मेरे लिए जम्मू कश्मीर हो या तमिलनाडु हो, हर प्रदेश के हर नागरिक के लिए निष्पक्षता के साथ मैं अपना आचरण करूंगा। हमारे केंद्रीय नेताओं ने भी बातचीत की है, चौटाला साहब से उससे भी की है, तो आप लोगों ने तो हमें मान कर कर रहा हूँ कि आपने दिया है, मैं इसका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। 90-90 की अपील तो 90-90 तो है, लेकिन 75 वोट तो जरूर आप पहुँच सकेंगे। वहीं एनडीए उम्मीदवार को समर्थन के ऐलान के बाद अभय चौटाला ने कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया। अभय का आरोप है कि कांग्रेस सिर्फ ये देखना चाहती है कि उसके साथ कितने दल खड़े हैं। उन्होंने राष्ट्रपति पद के चुनाव के वक्त में राहुल गांधी के देश से बाहर होने पर भी सवाल खड़ा किया। चंडीगढ़ से कुलवीर दीवान, जी मीडिया।